हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, काफी लंबा है और इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं दो दो नंबर के, है ना। लेकिन हम आज एक ऐसा वीडियो करेंगे जिसमें हम इन सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है कि कॉस्टिंग जब हम करेंगे तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कॉस्टिंग में। सो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बट टॉपिक हमारा सेम है, बट उसके अंदर उसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जिसको मैं एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि आपको हमारे चैनल पे जब आप आ गए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो और जो ये ज्वाइन का बटन है इसको दबा दो और हमारे बीकॉम वाले ज्वाइन वाले मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको 1 रुपए भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, एटलीस्ट 40% डिस्काउंट पे आपको ये सारी की सारी चीजें जो है अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको ऑन डिमांड लेक्चर मिलेगा। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई, नॉट ट्राई, आई विल मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक यू विल आस्क। उसके अलावा आपको 24/7 सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान फॉर द बीकॉम, राइट। और मैं अब बात कर लेता हूँ प्लेलिस्ट के बारे में। अगर आपको स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, वन बाय वन वीडियोस देख करके अच्छी तरीके से करनी है, तो सिंपल सा उसका प्रोसेस है भाई कि आप आओ हमारे चैनल पे, आकर के जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इग्नू बीकॉम न्यू है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड है। इसके अंदर ढेर सारी वीडियोज मैंने बना करके रखी हुई है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, राइट। तो चलिए इसके बारे में भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है, इसके फीचर्स, इसका डिफरेंस विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। अब बात करने वाले हैं इसके मेथड्स के बारे में। सो दो इन ऑल द केसेस द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर कॉस्टिंग रिमेन्स द सेम। हर एक डिफरेंट प्रोसीजर में जो भी कॉस्टिंग का हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सब में जो मोटिव होता है कॉस्टिंग करने का वो सेम होता है। वो क्या होता है कि आपको अपने बिजनेस की पिक्युलरिटी और नेचर को एक तरीके से जज करना है। आपको पता करना है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, और आप मार्केट में किस तरीके से कम्पीट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करते हुए। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसके बेसिस पे जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, जिसके बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, है ना। वो डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग किसे कहेंगे, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जॉब की बात की जा रही है। तो सपोज मैंने आपको एक जॉब दिया कि आपको 10 दिनों में जो है ये बिल्डिंग तैयार करनी है, है ना। तो 10 दिनों में आपको उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। वहां पे मैं एक अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा जहां पे मैं चीजों को अकाउंट करूंगा, लिखूंगा और लास्ट में मैं हिसाब करूंगा मुझे सही टाइम पे डिलीवरी हुई नहीं हुई और मुझे फायदा हुआ नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये जॉब कॉस्टिंग कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, है ना, किसी एक बिजनेस की बात नहीं कर रहे। सो अंडर दिस मेथड कॉस्ट आर असर्टेन फॉर ईच जॉब। जो भी जॉब आपको दिया जाएगा उस हर एक जॉब के लिए कॉस्ट जो है वो असर्टेन किया जाएगा, हर एक वर्क ऑर्डर के लिए सेपरेटली उसको असर्टेन किया जाएगा। इट इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक प्रिंटिंग, कार रिपेयर्स, फाउंडरीज, पेंटिंग एंड डेकोरेशन, वेयर ईच जॉब हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस, है ना। तो ये सुटेबल होता है जनरली प्रिंटिंग के जॉब में, कार रिपेयर्स की जो कंपनीज होती है उनके लिए, जो फाउंड्रीज होती है जो पेंटिंग एंड डेकोरेशन का काम करते हैं उनके लिए जॉब कॉस्टिंग का जो है मेथड वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जॉब एक दूसरे से अलग होता है और स्पेसिफिकेशंस होते हैं हर एक जॉब में, राइट। तो उसके बेसिस पे आपको जो है कॉस्टिंग करनी पड़ती है। सो जॉब कॉस्टिंग इज द फर्स्ट मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड। सेकंड मेथड इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, दो लोगों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कितने टाइम में मुझे ये काम करके आपको मुझे देना है, उसकी जो भी अकाउंटिंग की जाएगी उसको हम कॉस्टिंग के तहत करेंगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहेंगे, राइट। दैट मेथड्स इज यूज्ड इन द केस ऑफ जॉब्स डिस्क्राइब्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो जब जॉब्स को एज ए कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब कर दिया जाता है तो हम वहां पे जॉब्स कॉस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करके हम वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। तरीका सेम होगा, सिर्फ नाम डिफरेंट है,
है ना। द कॉन्ट्रैक्ट वर्क यूजुअली इन्वॉल्व्स हैवी एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्ट के काम में जनरली जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही हैवी होता है, कुछ लंबे समय तक के लिए होता है, स्ट्रेचेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इज अंडरटेकिंग एट डिफरेंट साइट्स, और जिसका इस्तेमाल जो है अलग अलग साइट्स पे किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको इसी जगह पर डेवलपमेंट करना है, हो सकता है आपको मैंने किसी और जगह पे भी करने के लिए बोला। सो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भी हो सकता है। हेंस ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट फॉर पर्पस ऑफ कॉस्ट एसरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो हर एक यूनिट को एक तरीके से अलग माना जाता है एक दूसरे से, ताकि आप ठीक तरीके से कॉस्ट एसरटेनमेंट कर पाओ, कॉस्ट का क्या प्राइस होगा, प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ये आप ठीक तरीके से डिटरमाइन कर पाओ। इसलिए यहाँ पे चीजों को जो है अलग अलग रखा जाता है, यूनिट्स को अलग अलग रखा जाता है। दो लाइनें मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि यहाँ लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट मुझे कवर करने हैं, तो मुझे जहां तक इंपॉर्टेंट लग रहा है जो डेफिनेशन है मैं सिर्फ वहां तक आपको समझा देता हूँ। बैच कॉस्टिंग क्या होती है? सो वेयर वर्क ऑर्डर्स आर अरेंज्ड इन बैचेस एंड द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ बैच आर यूनिफॉर्म इन नेचर एंड डिजाइन, ईच बैच इज रिकॉर्डेड एज अ जॉब एंड ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, है ना। तो जहां पे जो वर्क ऑर्डर्स होंगे, जो भी काम का जो ऑर्डर आपके पास आएगा, जब आप उसको बैचेस में अरेंज करते हो, जैसे कि सपोज मैं मेरे पास जो ट्यूशंस करते हैं बच्चे, मैं उनको बैच बना करके, सपोज 10 लोगों का एक बैच है, फिर अगला 10 लोगों का बैच है, मैं उनको अलग अलग एक्सकर्शन पे लेकर के जा रहा हूँ। मैं पूरी लेकर के गया एक बैच को, दूसरे बैच को फिर पूरी लेकर के गया, बट एक महीने बाद लेकर के गया, तो मैं बैच को अलग अलग टाइम पे लेकर के जा रहा हूँ। तो जब भी काम जो है, जो भी काम है वो अगर बैचेस में किया जाएगा, जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, है ना, उनको अगर एक यूनिफॉर्म नेचर होगा, जो यूनिट्स जो मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या है कि मैं लोगों को घुमाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबका प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट का डिजाइन, हर एक चीज सेम है, यूनिफॉर्मिटी है हर एक चीज में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैचेस है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिनों पे ये काम जो है वो हो रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलेंगे ईच बैच इज रिकॉर्डेड एज अ जॉब, उसको हम बैच बोलेंगे, और हर एक बैच को एक तरह से जॉब के रूप में माना जाता है एंड ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट, और हर एक बैच को एक दूसरे से अलग माना जाता है, अलग किया जाता है, ताकि आप कॉस्टिंग के काम को ठीक तरीके से कर पाओ। इन सच अ सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशन में द मेथड ऑफ कॉस्टिंग अडॉप्टेड इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। तो इस मेथड में, इस सिचुएशन में आकर के जब आप कॉस्टिंग करेंगे, तो एक तरह से ये जॉब कॉस्टिंग ही है, लेकिन इसको बैच कॉस्टिंग हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बैच वाइज काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि जॉब खत्म हो गया आपकी कॉस्टिंग खत्म होगी, जॉब खत्म हो गया मतलब आपका एक बैच खत्म हुआ, सेकंड बैच आएगा, थर्ड बैच आएगा, इस तरीके से आप जो है बैच कॉस्टिंग करते रहोगे। इट इज जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, बेकरी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, एटीसी, है ना। तो कहाँ कहाँ बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आपके बेकरी में, फार्मास्यूटिकल्स में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह में, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो इस्तेमाल है वो जनरली बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में होता है। तो आपको साथ में जो भी डेफिनेशन है उसके साथ में आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं, एग्जांपल्स भी लिखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग क्या क्या होती है? सो अंडर दिस मेथड costs are ascertained for convenient units of output, है ना? In this method, जो हमारा ये जो method है, यहाँ पे आप cost ascertain करने की कोशिश करते हो on the units, जो भी units आपने produce करे हैं, जो भी आपका output रहा है units में, आप उसके basis पे आप जो है cost को determine करने की कोशिश करते हो। It applies to products which are turned out by the continuous manufacturing activity and then can be expressed in identical quantitative units, है ना? तो ये generally उन products के ऊपर apply होता है जो कि बार बार बनाने के कारण तैयार होते हैं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कंटीन्यूअस वे में बन रहे हैं, है ना, जो कंटीन्यूअस वे में बन रहे हैं, मतलब कंटीन्यूअस मतलब ऐसा नहीं कि काम आज चला कल रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंटीन्यूअस वे में अगर कोई चीज चल रही है, प्रोडक्ट अगर बन रही है, तो वहां पे आप यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो क्वांटिटी जो यूनिट्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के साथ सेम आपको दिखेंगे यहां पे, तो आपको क्वांटिटी में दिखाना पड़ेगा कि एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट। सो जैसे कि मैं टीवी बना रहा हूं सपोज, तो कितने यूनिट टीवी में बेच रहा हूँ? 10 यूनिट बेच रहा हूँ, 15 यूनिट बेच रहा हूँ, सारी की सारी टीवियां एक किस्म की हैं, राइट। तो इस तरह की जगह पे जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो हम इसे कहते हैं यूनिट कॉस्टिंग, है ना। सो इट इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिक मेकिंग, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, फ्लोर मिल्स, ईटीसी, है ना। इस तरह की चीजों पे जो है यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है। दिस मेथड इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। अब आपसे हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, तो आप यूनिट कॉस्टिंग का डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा लंबा है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, बट मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं डेफिनेशन इसको समझा देता हूँ और साथ में इसको आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो इन केस ऑफ सम इंडस्ट्रीज अ प्रोडक्ट passes through different stages of production called
प्रोसेसेस एंड ईच प्रोसेस इज डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल तब होता है जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको समय लगता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से जो गुजारना पड़ता है उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक प्रोडक्ट को। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में उसको गुजारेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम देंगे, लेबर देंगे, डिफरेंट ओवरहेड देंगे, डिफरेंट फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस देंगे, तो हर एक स्टेप जो है वो अलग अलग होगा, हर एक प्रोसेस जो है वो अलग अलग होगा। तो हर एक प्रोसेस की अलग अलग अकाउंटिंग की जाएगी, तो उसे हम कहेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। आप समझ रहे हो, ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस एक दूसरे से अलग होगा और वेल डिफाइंड होगा, और उसकी हम कॉस्टिंग करेंगे तो हम उसे कहेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस एंड मे बी एंड ऑल्सो बी मार्केटेबल कमोडिटी, है ना। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो जनरली एक, सपोज मैंने अभी कोई प्रोडक्ट बनाया जो कि रॉ मटेरियल है, मैंने उसको बनाया, बना करके जब मैंने बना करके दूसरे प्रोडक्ट को दिया, दूसरे प्रोसेस में दिया उसको बनाने के लिए, तो दूसरे प्रोसेस के लिए जो मैंने प्रोडक्ट बना करके दिया है वो रॉ मटेरियल है। फिर उसने प्रोडक्ट करा बना करके तीसरे जो प्रोडक्ट प्रोसेस है उसमें दिया, तो तीसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरे वाले ने जो प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनाया था वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, थर्ड वाले के लिए टू वाला रॉ मटेरियल। आप समझ रहे हो, तो एक तरीके से रॉ मटेरियल हो जाता है प्रोसेसेस में, जब तक वो चल करके आगे बढ़ेगा नहीं फिनिश गुड्स वो है जो है वो बन नहीं पाएगा। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पहले जो प्रोसेस में प्रोडक्ट बना या जो सेकंड टाइम में जो प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बना आप उसको भी बेच सकते हो, वो भी एक तरीके से मार्केटेबल कमोडिटी होती है ना। टेक द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल वेयर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पासेस थ्रू थ्री डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस विच स्पिनिंग वेबिंग एंड फिनिशिंग, है ना। तो अगर हम टेक्सटाइल मिल का अगर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको पाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम स्पिनिंग वेविंग या फिनिशिंग कहेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में। नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ सर्विस सच एज बस, रेलवे, वाटर सप्लाई, यू नो, नर्सिंग होम, एटीसी, है ना। तो ये जो मेथड है ये जनरली उन सारे जगहों पर चलाया जाता है जहाँ पे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, बस चलाए जा रहे हैं, बस चलाने भी एक तरह का ऑपरेशन है, रेलवे है, वाटर सप्लाई है, नर्सिंग होम है, यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब वो कार फाड़ चीर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस मतलब कोई एक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है, जो ऑपरेशंस हो रही है, वहां पे ऑपरेशंस कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन हो रहा है, एक ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं, तो एक एक किस्म का ये ऑपरेशन है, और उसमें जो भी खर्च हुआ है, जो भी आपका इनकम हुआ है, उसमें वहां पे आप कॉस्टिंग का इस्तेमाल आप करोगे। इन सच ऑर्गेनाइजेशंस द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज सर्व एज यूनिट, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो जो यूनिट होता है, यू नो, कॉस्ट ऑफ सर्व का, वो आपका यूनिट होता है। ईजी इन द केस ऑफ बसेस द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज पैसेंजर किलोमीटर, है ना। बसेस के केस में जो आपका यूनिट होगा कॉस्ट का वो क्या होगा, पैसेंजर किलोमीटर होगा, कि पैसेंजर कितना किलोमीटर चला है उसके बेसिस पे आप जो है उससे पैसे लोगे। इन केस ऑफ नर्सिंग होम इट इज पर बेड पर डे, नर्सिंग होम के केस में आपको पर बेड पर डे के हिसाब से आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं, राइट। तो ये इन सारे जगहों से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी दिस इज कॉल्ड सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो नया टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को आप सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। नाउ मल्टीपल कॉस्टिंग किसे कहेंगे, तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा यू नो कॉस्टिंग जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। सपोज आपने जॉब कॉस्टिंग का भी इस्तेमाल किया और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी इस्तेमाल किया, कहीं पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी इस्तेमाल किया और प्रोसेस कॉस्टिंग का भी इस्तेमाल किया, तो जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन होगा किसी एक यू नो प्रोसेस में, किसी एक यूनिट में, तो हम उसे कहेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग, राइट। सो वेयर अ प्रोड्यूस कंपनीज मे असेंबल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एज इन द केस ऑफ मोटर कार, टाइपराइटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, ईटीसी, कॉस्ट हैव टू बी एसर्टेन फॉर ईच कंपोनेंट, है ना। हर एक कंपोनेंट का आपको कॉस्ट जो है बनाना पड़ेगा, मतलब आप असेंबल करके सपोज कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, एंड रिजल्ट तो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आपको लग रहे हैं, है ना। तो सबको बनाने का तरीका अलग अलग होगा, कहीं जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल हुआ होगा, कहीं प्रोसेस कॉस्टिंग, कहीं यू नो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग्स का इस्तेमाल हुआ होगा। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग का इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट के साथ आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग्स का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ईच कॉम्पोनेंट एज वेल एज फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। दिस मे इन्वॉल्व यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पोनेट्स एंड सो इट इज नोन एज मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जिस तरह से डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कॉस्टिंग में किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, अगर इसमें भी वैसा ही हुआ है तो हम इसे मल्टीपल या फिर कॉम्पोजिट कॉस्टिंग कहेंगे, राइट। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है, नाउ
द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग बाय अ नंबर ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री इज नोन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो जब किसी एक इंडस्ट्री में, इन इंडस्ट्री मतलब एक कंपनी नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, सपोज फिल्म इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक निर्माता तो है नहीं, कोई एक प्रोड्यूसर तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर सारे लोग एक ही किस्म के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहेंगे। यहाँ पे मैंने बॉलीवुड का एग्जांपल लिया, बट यहाँ पे मैं अलग अलग इंडस्ट्री की बात करूँ, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो हर एक जगह पे अगर एक ही किस्म की कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा, कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा बाय डिफरेंट फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, देन दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, है ना। दस इट इज नॉट सेपरेट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इसलिए हम इसको सेपरेट मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं बोलेंगे, बल्कि इट इज सिंपली रेफर्स टू अ कॉमन सिस्टम यूजिंग एग्रीड कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बल्कि ये जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, जिसका पालन करके यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे दो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यहाँ पे बताए गए हैं, दैट दिस हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजंस एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। इट शुड बी नोटेड दैट टू बेसिक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जो बेसिक जो दो मेथड्स होते हैं वो जॉब कॉस्टिंग होता है और प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यू नो जॉब कॉस्ट, आई मीन कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से किन किन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट यू नो चीजों में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन करें, हमारे चैनल का मेंबर बने, और वहां से आपको जो है ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आई होप कि आपका दिन अच्छा जाए, आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।